हेलो स्टूडेंट्स, और वंस अगेन आप सभी का वेलकम है आज की क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज डिटरमिनेंट, जो हमने बोर्ड में लिखा हुआ है। तो इसके प्रीवियसली आपने जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 3, वो था मैट्राइसेस। तो उसके कंटिन्यूएशन में ही ये नेक्स्ट चैप्टर है मैट्राइसेस के। हम बहुत से कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज़ करते हैं और इस चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट। बहुत सारी सिमिलैरिटी है मैट्राइसेस में और डिटरमिनेंट में, कुछ डिफरेंसेस है। तो पहले आप वो देख ले, समझ ले डिटरमिनेंट होता क्या है। डिटरमिनेंट एक्चुअली हम हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने पहले चैप्टर में जैसे पढ़ा है, जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो 2x2 का हो, चाहे 3x3 का हो, चाहे 4x4 का हो, उसका एक डिटरमिनेंट होता है। और डिटरमिनेंट क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो हम एक मैट्रिक्स को असाइन करते हैं। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, लेट से इट इज 1, 2, 3, 4, ये 2x2 का इसका ऑर्डर है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम इस मैट्रिक्स को एक नंबर असाइन करते हैं और वो नंबर जो है वो उसका डिटरमिनेंट कहलाता है। तो देखिए, ये हम मैट्रिक्स में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चार नंबर है, एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। लेकिन जब हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट की जब बात करते हैं, यदि इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो दो पैरेलल लाइन के बीच में हम ये नंबर को रखते हैं। जैसे मॉड होता है, मॉडुलस होता है, उसी तरह से अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये इसके अंदर जो एलिमेंट रखे हुए हैं, तो इसका ये मतलब है इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है, या डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। यदि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है तो आप समझ जाएंगे कि वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। आया समझ में? अब रही बात वो नंबर जो हम इसे असाइन करते हैं, वो कौन सा नंबर है, कैसा असाइन किया जाता है, रैंडमली कुछ भी नंबर दे देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक डिटरमिनेंट हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक फिक्स डिटरमिनेंट होता है और उसको निकालने का एक तरीका होता है। तो हम अभी एक एक करके देखते हैं अलग अलग तरह के मैट्रिक्स का हम कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एक ही है उसमें। इसका ये मतलब है कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट है एक ही एलिमेंट है और यही एलिमेंट इसका डिटरमिनेंट होगा, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं, यही जो एलिमेंट है यही इसका डिटरमिनेंट होगा। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। ये आएगा भी नहीं क्वेश्चन कभी, बस बुक में दिया तो आपको समझाने के लिए। आपको आएगा ऑर्डर 2 का, ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। दो ऑर्डर वाले जो मैट्रिक्स हैं उसका अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये मान लीजिए ये एक है 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका बोले डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो अच्छा, इसको एक पहले जनरल फॉर्म में हम लिख लेते हैं। लेट से इट इज a21, a22, a23, sorry a21, a22, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं 2x2 मैट्रिक्स के, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने का ये फॉर्मूला है, देखिए ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नीचे से ऊपर, राइट से लेफ्ट, ऐसे भी लिख कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे भी समझ लीजिए। दोनों का मतलब एक ही है, मतलब ये दोनों नंबर पहले मल्टीप्लाई होंगे a11 एंड a22, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस साइन आएगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हुआ a12 इंटू a21, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है। पहले ये एरो, फिर ये एरो, पहले ये नंबर मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये मल्टीप्लाई होंगे। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको बोला है कि इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो जब इसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 1, 4, फिर माइनस आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 3, 2 जा 6, आंसर आ गया -2। मतलब इसको जो हमने नंबर असाइन किया है वो -2 है और वो इसका डिटरमिनेंट है और वो इसकी एक यूनिक वैल्यू होगी। तो इस तरह से किसी भी 2x2 जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आप डिटरमिनेंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आया समझ में? तो ये देखिए, ये एक और एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी का हमने एग्जांपल लिया है और इसमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है आपको। तो जो हमने डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लिखा था, पहले आपको ये इसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहे तो आप कम से कम ये एरो याद रखिए, इससे आसानी से आप कर सकते हैं। पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। तो ये देखिए, यहाँ पे ये एक इक्वेशन बन रहा है, एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये कट गया और फाइनली आ रही है इसकी वैल्यू वन। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो आ रहा है वन। अब देखिए, अब हमको निकालना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, यानी अब हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर थ्री है, यानी थ्री क्रॉस थ्री का ये मैट्रिक्स है, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो टू क्रॉस टू का निकालना तो बहुत ही ईजी था, अब जब थ्री बाय थ्री का आप निकालते हैं डिटर्मिनेंट तो ये थोड़ा सा लेंथी होता है, और टू बाय टू को निकालने का एक ही फॉर्मूला है, एक ही तरीका है, लेकिन थ्री बाय थ्री को निकालने के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग तरीके से इसको निकाला जा सकता है। तो एक 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 करके हम वो तरीके देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अलॉन्ग द रो और ऑल्सो अलॉन्ग द कॉलम। हम रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और अलॉन्ग द कॉलम भी एक्सपेंड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि रो के अलॉन्ग जब हम सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो कैसा होगा सॉल्व, फिर कॉलम का भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप किसी एक रो को ले रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम ये फर्स्ट रो को ले रहे हैं, ठीक है, हम ये फर्स्ट रो को ले रहे हैं और इसी रो के अलॉन्ग हमको एक्सपेंड करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप पहले ये पहले रो का एलिमेंट लिखेंगे और उसके पहले आप लिखेंगे माइनस वन, माइनस वन, और ये कौन सा एलिमेंट है, वन पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, तो वन और वन आया तो माइनस वन की पावर आप लिखेंगे वन प्लस वन। तो जो उसका एलिमेंट का नंबर है वो यहाँ माइनस वन की पावर बनता है, ठीक है। अब माइनस वन पावर वन प्लस वन हो गया, अब आप ये एलिमेंट लिखेंगे ए वन वन। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम इसको छोड़ के जो बाकी ये बचा, ये वाले जो एलिमेंट हैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में, टू बाय टू मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिखना है। तो ये बन गया ए टू टू, ए टू थ्री, फिर ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री, ठीक है। ये आया फर्स्ट टर्म आया डिटर्मिनेंट का, आया समझ में। अभी हम रो के अलॉन्ग चल रहे हैं, अब देखिए, अब फिर से हम माइनस वन लिखेंगे, अब सेकंड एलिमेंट आपको लिखना है, तो उसके पहले सेकंड एलिमेंट का इसमें नंबर क्या है, वन और टू, तो माइनस वन की पावर वन प्लस टू होगी, और फिर आप एलिमेंट लिखेंगे ए वन टू, फिर आपको टू बाय टू का एक मैट्रिक्स लिखना है। और इस केस में आप क्या करेंगे, ये है, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, फर्स्ट रो तो रहेगा, अब आप सेकंड टर्म लिख रहे हैं तो सेकंड कॉलम को आपको अभी निगलेक्ट करना है। तो जब पहला रो और सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो ये चार नंबर बचे, तो ये चार नंबर जो है ये डिटर्मिनेंट इसका आपको निकालना है, टू बाय टू का मैट्रिक्स बन जाएगा ए टू वन, ए टू थ्री, फिर यहाँ लिखेंगे ए थ्री वन, ए थ्री थ्री, ये आया सेकेंड टर्म, आ रहा है समझ में। तो ये सेकेंड टर्म आया, अब थर्ड टर्म आपको लिखना है, तो थर्ड टर्म लिखने के लिए फिर माइनस वन और इसकी पावर क्या लिखेंगे, थर्ड एलिमेंट का जो नंबर है वन और थ्री, इसको प्लस करके लिख देंगे वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री, फिर इसका एलिमेंट क्या है ए वन थ्री, देन आपने बनाया मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, पहला रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को निगलेक्ट करना है। तो ये देखिए, ये जो मैंने ग्रीन बॉक्स के अंदर लिखा, ये नंबर को छोड़ देंगे तो ये चार एलिमेंट बचे और इन्हीं से बनेगा आपका मैट्रिक्स ए टू वन, ए टू टू और ए थ्री वन, ए थ्री टू, ठीक है। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। तो ये हमने किया जब अलॉन्ग दी फर्स्ट रो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा। ये कोफिशियंट तो आपको पता है, ये जो है ये प्लस वन बन जाएगा, ये जो है माइनस वन बनेगा, ये प्लस वन बन जाएगा, और ये जो है इसको आपको जैसे आप टू बाई टू का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, ठीक है। ये बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैबिचुअल होते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा आपको
थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लंबा छोड़ा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बनता जाएगा। तो अभी हमने इसको एक्सपेंड किया है अलॉन्ग दी फर्स्ट रो, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको एक्चुअल वैल्यू दी है तो इस फॉर्मूले से हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और ये दिया है, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। ये जो डेल्टा साइन जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए साइन को यूज़ करते हैं और इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब हम इसको अगर फर्स्ट रो के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था डायरेक्टली उसका एप्लीकेशन करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, -1, ये कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो 1+1 -1 power 1+1। अभी हम इसको ऐसा कर रहे हैं, जब आप बार बार करेंगे तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट टाइम में मैं आपको एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो पहला वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 -1 to the power 1+1, सेकंड नंबर नेगेटिव, थर्ड नंबर पॉजिटिव। बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम में मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। तो देखिए जब आप लेंगे पहला एलिमेंट ले रहे हैं तो -1 की पावर 1+1 into ये वाला एलिमेंट 1, फिर इसके बाद में यहाँ कौन सा मैट्रिक्स आएगा, ये देखिए पहले रो को छोड़ना है और पहला कोफिशिएंट आप लिख रहे हैं तो पहले आप कॉलम को छोड़ देंगे तो बाकी जो एलिमेंट बचे इनका आपका मैट्रिक्स बनेगा, कैसे, 3 0 1 0, बस आया समझ में। तो ये हुआ पहला टर्म। सेकंड टर्म लिखने के लिए -1 की पावर, ये कौन सा एलिमेंट है, अभी 2 के लिए आप कर रहे हैं, सेकंड टर्म सेकंड जो उसका एलिमेंट है, तो -1 की पावर 1+2 यानी पहला रो का सेकंड कॉलम, ठीक है। उसके बाद ये जो कोफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, अब आपको सेकंड टर्म लिख रहे हैं तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप निगलेक्ट कर देंगे तो ये जो 4 नंबर बचे ये बनेगा मैट्रिक्स यहाँ का -1, 4 और 0 और 0, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म हो गया। अब थर्ड टर्म के लिए -1 और ये क्या हो गया, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो 1+3, फिर इसके बाद ये कौन सा एलिमेंट है, ये कोफिशिएंट बनेगा, ये 4 है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से वही करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को जब निगलेक्ट हम करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स बना यही आपका मैट्रिक्स होगा थर्ड टर्म के लिए, -1, 3, 4, 1, ठीक है। तो ये अब हमने इसको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिख लिया है, अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये तो हो गया +1, ये भी 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इसको सॉल्व करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको, तो 0 into 3 and 1 into 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। पहला जो टर्म है देखिए इसमें 0 आ रहा है, ये तो 1 हो गया, ये 0 into 0, 0 into 3 और 1 into 0, तो ये 0 हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म सेकंड वाला, यहाँ -1 की पावर 3 है तो माइनस टर्म माइनस आएगा यहाँ पे, फिर 2 into this into this, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया और 2 into 0 भी 0 होगा। नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं, -1 की पावर 1+3, मतलब ये +1 बन जाएगा, कोफिशिएंट ये है 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 into -1 -1, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, तो यहाँ आ गया 12, तो क्या हो गया 4 और ये -13, तो आंसर होगा -52, 4 13 -52, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, केवल इसका वैल्यू जो है -52, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आ रही है -52, है समझ में। तो ये तो हुआ जब हमने डिटर्मिनेंट को अलोंग द फर्स्ट रो जब एक्सपेंड किया तो इस तरीके से सॉल्व करते हुए आंसर ले आए। अब हम करेंगे क्या, हम डिटर्मिनेंट को अलोंग द सेकेंड रो एक्सपेंड करेंगे और उस केस में फिर देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, ठीक है।
देखिए, अब प्रीवियस केस में हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया था अलोंग द फर्स्ट रो, अब हम उसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे अलोंग द सेकंड रो। जब सेकंड रो के अलोंग जब एक्सपेंड करते हैं, आंसर उसका वही आएगा। देखिए, हर एक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो एक ही होता है, चाहे आप फर्स्ट रो से करो, सेकेंड रो से करो, चाहे थर्ड रो से। और इसमें चेंजेस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें फ़र्क होगा, और वो क्या फ़र्क होगा, करना उसी तरीके से है। अब आपको जो फोकस करना है, सेकेंड रो पे फोकस करना है, ठीक है। ये हमारा मेन अब सेकेंड रो है, इसके अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इस सेकेंड रो पे आपको फोकस करना है। तो जो पहला एलिमेंट आप लिखेंगे, पहला टर्म लिखेंगे, उसमें माइनस वन आएगा। पहला जो टर्म होगा वो माइनस वन, और माइनस वन की पावर क्या होगी, जो ये एलिमेंट नंबर है टू और वन, तो यहाँ पे टू और वन को प्लस कर देंगे, मतलब पहला टर्म नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ का कोफिशियंट हुआ ए टू वन। इसके बाद यहाँ पे हम कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, टू बाय टू का, तो सेकेंड रो को आपको निगलेक्ट करना है और फिर फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। पिछले केस में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट रो और फिर डिफरेंट कॉलम, अब यहाँ पे सेकेंड रो और अलग अलग कॉलम को एक एक बार करके निगलेक्ट करेंगे। आया समझ में? तो देखिए, अब कौन से चार नंबर बचे, ये और ये, तो यहाँ पे इसको इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे ए वन टू, ए वन थ्री, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। तो ये बन गया पहला टर्म का, ये मैट्रिक्स बन गया। फिर सेकंड टर्म आप लिखेंगे, ये देखिए कौन सा टर्म है, ये टू टू, तो माइनस वन पावर टू प्लस टू, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को आप निगलेक्ट करेंगे, तो ये चार नंबर बचे, तो इसका बनेगा यहाँ मैट्रिक्स ए वन वन, ए वन थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री थ्री, ठीक है। अब समझ में आया? अब थर्ड टर्म के लिए फिर हम क्या करेंगे, माइनस वन और उसकी पावर, ये जो है नंबर टू एंड थ्री, इसको प्लस कर देंगे, टू प्लस थ्री, कोफिशियंट हो गया ए टू थ्री। और सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को इस बार निगलेक्ट करेंगे, तो जो बाकी दो चार नंबर बचे वो बचेगा ए वन वन, ए वन टू, ए फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ए टू वन, ए टू टू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना, अगर आप सेकेंड रो से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, इसमें आंसर वही आएगा जो हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके जो निकाला है। और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यदि मैं थर्ड रो से एक्सपेंड करूंगा तो उसके इसमें यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस वन पावर, देखिए मैं यही लिख दे रहा हूं, यदि आप थर्ड रो से एक्सपेंड करेंगे तो अब आपका जो मेन जो फोकस है थर्ड रो पे रहेगा, और पहला जो टर्म है वो कैसा आएगा, माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन, यानी ये इवन, ये इवन हो गया तो ये प्लस हो गया, ठीक है, इसमें माइनस था। अब यहां वाला टर्म है एट थ्री वन, अब मैट्रिक्स कौन सा लिखेंगे, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को जब हम निगलेक्ट करेंगे तो ये चार नंबर बचेंगे, ठीक है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट करेंगे इसका मैट्रिक्स के लिए, तो ये क्या बन गया, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू टू, ए टू थ्री, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म आया, सेकेंड टर्म लिखेंगे ऐसे ही माइनस वन, ये जो नंबर है ये उसकी पावर हो जाएगी माइनस वन की, थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू। फिर इसमें मैट्रिक्स कौन सा आएगा, आप ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो जो चार नंबर बचे ए वन वन, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू थ्री। फिर उसके बाद लास्ट टर्म जो है माइनस वन, इसकी पावर क्या होगी, थ्री प्लस थ्री, थ्री प्लस थ्री, अब ए थ्री थ्री। इसमें कौन सा आएगा, लास्ट रो और ये लास्ट कॉलम को निगलेक्ट करें तो ये चार नंबर जो बचे, क्या हम कौन से बचे, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ठीक है। तो फर्स्ट रो से हम करेंगे, चाहे सेकंड रो से करेंगे तो ये फॉर्मूला है, थर्ड रो से करेंगे तो ये फॉर्मूला है, और सभी केस में आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसको हम इसको चेक करके देख सकते हैं, जो प्रीवियस एग्जांपल हमने किया था उसी एग्जांपल को मैं सेकंड रो से एक्सपेंड करके आपको सॉल्व करके बताऊंगा।
देखिए अब ये वही वाला एग्जांपल मैंने फिर से यहाँ लिख दिया है। अब पिछले केस में हमने फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व किया था एक्सपेंड करके, अब यहाँ सेकंड रो के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे और फिर सॉल्व करके देखेंगे इसमें कितना आंसर आ रहा है। तो देखिए माइनस वन, और ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी टू प्लस वन, ठीक है माइनस वन टू प्लस वन। अब यहाँ कोफिशियंट है ये इसका माइनस वन, फिर मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप अगर छोड़ देंगे तो बाकी जो चार नंबर बचे 2 4 1 0 ये बन गया इसका मैट्रिक्स। फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड के लिए, सेकंड टर्म के लिए माइनस वन, इसकी पावर क्या होगी, ये देखिए ये क्या है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मतलब माइनस वन की पावर 2 प्लस 2। अब इसके लिए मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, अब आपको सेकंड रो और सेकंड कॉलम को निगलेक्ट करेंगे तो 1 4 4 0 बचेगा 1 4 4 0, फिर माइनस वन की पावर इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ तो करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि कोफिशियंट जीरो है, यहाँ कुछ भी लिखो जीरो आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम समझने के लिए लिख ले रहे हैं, ठीक है। अगली बार से कभी होगा तो आप डायरेक्टली कर लेना। ये जो माइनस वन की पावर क्या होगी, ये सेकेंड रो का थर्ड कॉलम है, ठीक है तो 2 प्लस 3। अब यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सा आएगा, आपको ये लास्ट कॉलम और सेकेंड रो को छोड़ेंगे तो बचेगा 1 2 4 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हुआ माइनस वन की पावर 3 × -1 तो ये प्लस हो गया, ठीक है ये ऑड नंबर है, माइनस वन आया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 फिर माइनस 1 4 4, ठीक है तो इसका आंसर तो आ गया सिंपल। फिर अगला टर्म माइनस वन की पावर, अच्छा यहाँ पे कोफिशियंट नहीं लिखा मैंने, ये देखिए जो ये वाला कोफिशियंट है ना 3, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मैं लिखना भूल गया था, माइनस वन की पावर 2 प्लस 2 तो प्लस वन हो गया, 3 तो एज इट इज रहेगा, फिर 1 और 0 मल्टीप्लाई हो गया तो 0, फिर माइनस 4 × 4 16। फिर अगला ये तो 0 हो जाएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो गया माइनस 4 माइनस 3 × 16 तो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं अलोंग द सेकंड रो एक्सपेंड करके तब भी देखिए आंसर कितना आ रहा है -52। प्रीवियस केस में भी आंसर आया था -52 ही आया था, तो अभी समझ में आया। तो आप किसी भी रो से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें भी कंफर्टेबल हो, वैसे ज़्यादातर जो लोग हैं फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड करते हैं, और जब फर्स्ट रो से आप एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस वन का जो फंडा ये है, फर्स्ट रो में पहला टर्म प्लस में रहेगा, सेकंड टर्म माइनस में रहेगा, थर्ड टर्म प्लस में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड रो से एक्सपेंड करेंगे तो पहला टर्म नेगेटिव है, दूसरा टर्म पॉजिटिव है, तीसरा टर्म नेगेटिव है। लेकिन अगर थर्ड रो से एक्सपेंड करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा, पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा फिर पॉजिटिव, बस आप इसको ध्यान रखेंगे तो इजिली हो जाएगा। तो ये हमने इसको सॉल्व किया इस डिटर्मिनेंट को बाय एक्सपेंडिंग इट अलोंग द रो। हम इसी को सॉल्व कर सकते हैं बाय एक्सपेंडिंग इट अलोंग द कॉलम ऑल्सो, तो अभी हम इसको एग्जाम्पल देखेंगे, इसको कॉलम के अलोंग सॉल्व करके देखेंगे और फिर देखेंगे क्या आंसर आता है। तो देखिए अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग द कॉलम, तो हम पहले एक्सपेंड करेंगे अलोंग द फर्स्ट कॉलम, तो जो आपका मेन फोकस होगा फर्स्ट कॉलम पे रहेगा, ठीक है। पिछली बार हम रो ले रहे थे, इस बार हम कॉलम ले रहे हैं, तो जो हमारा मेन फोकस रहेगा फर्स्ट कॉलम पे रहेगा। और जिस तरह हमने पिछले केस में भी किया था, इस केस में भी कॉन्सेप्ट वही है, माइनस वन टू द पावर पहले एलिमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 1, ठीक है। फिर कोफिशियंट इसका क्या हो गया a 1 1, इसके बाद मैट्रिक्स कौन सा बनेगा देखिए, जब आप इसका निकालेंगे फर्स्ट का तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो इसको छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, तो जो चार नंबर बचे ये इसके मैट्रिक्स बनेंगे, तो यहां बनेगा a 2 2 a 2 3 a 3 2 a 3 3, ठीक है। तो ये पहला टर्म आया, अब सेकंड टर्म के लिए फिर करेंगे -1 टू द पावर, अब सेकंड टर्म है, अब यहाँ नीचे आएंगे अपन कॉलम के अलोंग जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आएंगे इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो -1 की पावर 2 प्लस 1
कोफिशियंट होगा 8-2-1, और यहाँ मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो देखिए अब आपको कॉलम तो वही रखना है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो के इस बार निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट करना है और सेकंड रो को निगलेक्ट करेंगे, तो ये जो चार नंबर बचे ये इसके मैट्रिक्स बनेंगे, A12, A13, A32, A33, ठीक है। ये हो गया सेकंड टर्म, और ऐसे ही थर्ड टर्म आ जाएगा। थर्ड टर्म के लिए हम यानी इसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो -1 की पावर 3+1 हो गया, उसका नंबर कोफिशेंट हो गया A31, और यहाँ क्या आएगा, अब आपको फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को जब छोड़ेंगे तो ये चार नंबर बचा, ये कौन सा नंबर है, A12, A13 और A22 and A23, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला बना, ठीक है। तो ये आपको फ्लो याद रखना है, इसका ऑर्डर याद रखना है, आपको एग्जैक्टली ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑर्डर भी पता है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं। जब आपको एग्ज़ाम में आएगा तो ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो प्रीवियस हमने डिटर्मिनेंट निकाला था, अब उसी का फिर से निकाल के देखेंगे आप कॉलम के अलॉन्ग, फिर देखेंगे कि उसका आंसर कितना आ रहा है। ये समझ में आया, ये हमने फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व एक्सपेंड किया, ऐसे ही सेकंड कॉलम से भी कर सकते हैं, ऐसे ही थर्ड कॉलम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वाला आपको ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। तो वो वाला एग्जाम्पल हम फिर से भी करके देखेंगे और अलॉन्ग दी कॉलम एक्सपेंड करके देखेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये फिर से वही वाला एग्जाम्पल है, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग दी कॉलम, और यहाँ फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जो हमारा फोकस होगा ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, और अलॉन्ग दिस कॉलम अगर एक्सपेंड करेंगे तो जो पहला एलिमेंट आएगा तो -1 टू द पावर ये क्या है, 1+1, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ये, फिर इसका कोफिशियंट तो हो गया 1 ही हो गया, फिर मैट्रिक्स क्या बनेगा, आप फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को निगलेक्ट करेंगे, तो ये जो चार नंबर बचे यही आपका मैट्रिक्स है, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3-0-1-0, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म के लिए आप क्या करेंगे, -1, और ये है सेकंड टर्म आपका, ये क्या है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो 1 की पावर -1 की पावर 2+1, ये कोफिशियंट क्या है, -1, मल्टीप्लाई कर दो, इसका मैट्रिक्स क्या होगा, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को छोड़ेंगे तो बचेगा 2-4-1-0, 2-4-1-0, फिर -1 टू द पावर, अब इसके लिए ये क्या है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3+1, फिर कोफिशियंट हो गया 4, मैट्रिक्स क्या बनेगा इसके लिए, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को छोड़ेंगे तो 2-4-3-0 बचा, 2-4-3-0। तो देखिए अब फॉर्मूला देख के लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, करते जाओगे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो अब ये जो है, ये जो है टर्म, ये क्या है, -1 की पावर 2, ये तो हो गया +1, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, 3-0, फिर -1 into 0, तो ये तो 0 हो गया पहला टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, -1 की पावर 3, -1 into -1 +1 हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा, 2 into 0, 0, -1 into 4, 4, फिर -1 की पावर 4, तो +1 हो गया, फिर ये 4 है, ब्रैकेट में क्या है, 2 into 0, 0, फिर 3 into 4, 12, ठीक है, -12। अब आप इसको सॉल्व करो, पहला टर्म हो गया 0, ये वाला टर्म है -4, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू -48, -52, ठीक है। तो फाइनल आंसर इस केस में भी आ रहा है -52, ठीक है। तो ये हमने अलोंग द फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड किया है, अब आपके लिए होमवर्क है, आप अलोंग द सेकंड कॉलम में एक्सपेंड करो, फिर इसी को अलोंग द थर्ड कॉलम में एक्सपेंड करो और देखो कि सही आंसर आपका आ रहा है कि नहीं। और इन सभी जो मेथड्स हमने किया है, एक ऐसा मेथड होगा जो सबसे शॉर्ट होगा, एक्सक्यूज मी, तो आपको वो देखना है, मैट्रिक्स देख के समझना है कि
कौन सा रो लेंगे और कौन सा कॉलम लेंगे जिससे जो आंसर है आपका सबसे शॉर्ट में और सबसे इजी वे में आएगा। तो यही आपके लिए आज का होमवर्क है आज का, कि आपको अलग अलग मैट्रिक्स को प्रैक्टिस करना है, डिफरेंट रोज के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है, डिफरेंट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है, और ये आपको बताना है कि किस कॉलम में या किस रो में आप सॉल्व करेंगे तब आपको ईजी पड़ेगा, और यही आपके लिए टास्क है आज का। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे। तो आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें डिटरमिनेंट निकालना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो कम से कम वो उसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और कुछ डाउट होंगे तो मुझे कमेंट में आप लिख देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।